तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ स्पार्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सो आज आपको पता चल जाएगा कि स्पार्क से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। लिटरली गाइस आप स्पार्क से आपके माइनक्राफ्ट सर्वर को पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हो कि आपके सर्वर में कौन सी हरकतें चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। लिटरली आपको वो चीजें पता चलेगी ना। और स्पार्क के माध्यम से आप सिर्फ अपने सर्वर की नहीं, आप सर्वर के अलावा भी बहुत कुछ देख सकते हो, जो कि आपको पता चलेगा कि भाई आपके पैसों की कीमत कितनी है, मतलब आप जो पे कर रहे हो क्या आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं सारी चीजें और आपको मैं सारी चीजें सिखाऊंगा। और हाँ देखो गाइस, ये स्पार्क का बारे में वीडियो, ठीक है, तो आप लोग कुछ ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पर किसी को एक्सपोज करने वाला हूँ। हाँ, अगर कोई इससे एक्सपोज हो रहा तो वो अलग बात है, बट मैं ये वीडियो किसी को एक्सपोज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। आराम से वीडियो देखो, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं गाइस, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना भाई मेरे को होस्टिंग कहां से मिली है वीडियो बनाने के लिए। डोंट वरी गाइस, मैं खुद का होस्टिंग यूज कर रहा हूँ। आई मीन खुद का मतलब भाई ऑफलाइन होस्टिंग, मतलब मैं अपने कंप्यूटर पे ही माइनक्राफ्ट सर्वर बनाया हूँ और उसी के रिजल्ट से आपको बताऊंगा कि कैसे आपके साथ जो होता है सारा ग्लिच होता है इसे कैसे पता करते हैं। मैं अपना कंप्यूटर का एग्जांपल दूंगा क्योंकि भाई मेरे कंप्यूटर का भाई थोड़ा कैपेबल है, मतलब थोड़ा सा हाई एंड बोल सकते हो, तो इसके वजह से मैं आपको अपने कंप्यूटर पे करके दिखा रहा हूं। क्योंकि भाई अब मैं किसी का होस्टिंग नहीं ले रहा और ना ही किसी से सर्वर ले रहा ऑब्वियसली, तो मैंने यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो देखो ये मेरा खुद का सर्वर यहां पर चल रहा है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं अभी मैं स्पार्क का ही पूरा टेस्टिंग कर रहा था। तो चलिए चलते स्टार्ट करते कि कैसे आपको क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले गाइस सबसे बेसिक स्टेप है कि आप गूगल पर जाओ और यहाँ पर आपका जो स्पार्क जो प्रोफाइलर है, तो ये वाला लिंक, मतलब ठीक है मैं स्पीकआउट से दिखा रहा हूँ, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं आपके ऊपर है। बट सो गाइस सिंपली क्या करना है आपको ना, ये स्पार्क डाउनलोड कर लेना। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो यहाँ पर मेरा जो स्पार्क है वो डाउनलोड हो गया, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। तो ये डाउनलोड होने बाद गाइस देखो सिंपल लोकेट कर लेना है और इसको यहाँ से कट करके आपको क्या करना है आपके सर्वर में, ठीक है। ये मैं अपने ऑफलाइन कर रहा था, ऑब्वियसली फाइल मैनेजर मेरे कंप्यूटर पे ही है। बट मेन चीज ये है कि अगर आपका ये सब चीजें नहीं है तो आपको क्या करना है, आपका जो सर्वर है वहां पर जाना, प्लगइन वाले फोल्डर में जाके आपको ये यहाँ पर ऐसे करके पेस्ट कर देना, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, क्या बात है, बहुत जल्दी अपडेट होता है यार ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि आपको स्पार्क यहाँ डाल देना और उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप सर्वर रिस्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पर मैं रिस्टार्ट नहीं करता हूँ, मेरे को जब भी करना मैं सीधे इसको कट करके कंसोल को सीधे कट करके यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस तो गए, तो मेरा सर्वर यहाँ पर ऑनलाइन हो चुका है। हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो चलते हैं सर्वर के अंदर और अभी मैं आपको यहाँ पर सारा चीज दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको सबसे पहले है, आपको ओपी ले लेना, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, अभी आपको सारा चीज दिखाता हूं। तो सबसे पहले ठीक है आपको जो आपको कमांड यूज करना है, ठीक है, जो सबसे पहले आपका जो वो है सिंपल सा है, स्पार्क प्रोफाइलर स्टार्ट, ये आप कमांड, ठीक है, ये आप डाल देना। ये कमांड आप जैसे डालोगे तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा द प्रोफाइलर इज नाउ रनिंग, और इसको थोड़ी देर रन कर देने देते हैं, लाइक 5 मिनट, अभी 24 हो रहा है। सो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, तो अभी चलते स्टार्ट करते हैं हमारा स्पार्क प्रोफाइलर को, स्पार्क प्रोफाइलर और ओपन। देखो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर दो कमांड है, एक तो ओपन करके, अब स्पार्क प्रोफाइलर ओपन करने से क्या होगा कि आपका जो स्पार्क है वो सर्वर में रन करता रहेगा बैकग्राउंड में और उसके साथ साथ आपको रिजल्ट भी दिखाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप स्टॉप करते हो तो आपका जो स्पार्क प्रोफाइलर वो बैकग्राउंड में रुक जाएगा और पूरी तरह से आपको कंप्लीट रिजल्ट देगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करने वाले हैं क्योंकि हमको स्टॉप करना है। ओपन करने से क्या होगा कि हमारा स्पार्क रन करता रहेगा, तो जिससे क्या है कि वो बहुत सारे रिजल्ट्स करेक्टली नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो हम स्टॉप करते हैं इसको और जैसे स्टॉप करेंगे तो हमको यहाँ पर जो है लिंक आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ये लिंक आ चुका है यहाँ पर, तो ठीक है। तो उसके बाद इसको हम ओपन करते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर देखने मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा नज़रिया सामने कुछ इस तरीके का नहीं आता, एक्चुअली इस तरीके का आपको दिखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिखाएगा TPS, MSPT, CPU, मेमोरी और CPU सिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ चीज़ें आपको कैसे क्या फिर, ठीक है। अगर आपको सारा चीज़ देखना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये आई बटन मिल रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक करो तो आपको बहुत सारा चीज़ देखने मिलेगा। फिलहाल मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद उस पर चलेंगे। तो यहाँ पर ये ग्राफ वाला सिस्टम है, लाइक 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट और लाइक ये मिनट का, ठीक है, कि कितने देर का है। तो ये फिलहाल पिछले 6 मिनट से मेरे सर्वर पे चल रहा है इसलिए 6 मिनट का दिखा रहा है, बाकी ये 2 घंटे का शायद दिखाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी आप दो ग्राफ यहाँ पर देख सकते हो, एक साइड इसका ग्राफ दिखाएगा, एक साइड इसका। तो इसे हम चलते हैं CPU प्रोसेस और CPU सिस्टम का। अब ये दोनों का क्या मतलब है, CPU प्रोसेस मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका CPU का प्रोसेसिंग है, मतलब कि आपका CPU मतलब आपका जो सर्वर है वो कितना CPU यूज़ कर रहा है, और जो सिस्टम है मतलब जो पूरा VPS बोल सकते हैं आप, तो आपका पूरा VPS पे कितना CPU यूज़ हो रहा है। ये दो अलग अलग CPU है, ठीक है। उसके बाद आता है TPS
और TPS के साथ आप MSPT देखो या कुछ भी देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपको TPS और MSPT दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो MSPT है वो होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ MSPT और TPS के बारे में क्या क्या है। तो TPS जो होता है वो टिक्स पर सेकंड होता है, और जो MSPT होता है वो होता है मिली सेकंड पर टिक। तो यहाँ पर जो होता है वो हमेशा बोल रहा है नॉर्मल लैग फ्री होने के लिए जो आपका 50 और लेस होना चाहिए मिली सेकंड पर टिक, ठीक है। जो MSPT है हमेशा ये आपका 55 से नीचे होना चाहिए, अगर ये 55 से ऊपर जा रहा है मतलब आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का लैग आपको देखने मिल रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे कि मेरा मिनिमम 1 चल रहा है, मीडियम 2 चल रहा है, 95% टाइम 3 रहता है, और जो मैक्स है वो 56 रह चुका है। ये मतलब मेरा ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि भाई ये कभी कभार जा रहा है, बट जो एवरेज चल रहा है 2 और 3 का चल रहा है, तो मैं मान के चलूं कि हाँ ठीक है लैग फ्री है मेरा सर्वर। अगर ये हमेशा रेड में जा रहा है मतलब 50 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपका सर्वर में बहुत ज्यादा लैग देखने मिल रहा है। जैसे मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, पार्क के डिस्कॉर्ड सर्वर से उठाया ये लिंक्स, अगर ये रहते हैं ठीक है तो दिखाता मैं आपको। जैसे ये देखो, ये इसका जो सर्वर है, ये किसका सर्वर आई डोंट नो, तो वो इसका ये लाइब्रेरी मतलब ये जो मैं अभी दिख रहा हूँ ये उसका अभी का जो इसका जो भी सर्वर है, IP तो मेरे पास है नहीं, बट इस बंदे का जो भी सर्वर है जो 6GB 7GB आई डोंट नो कितने का इसने सर्वर लिया है, तो ये इसका पूरा अभी का ये लाइव चल रहा है उसके सर्वर पर, उसका इतना TPS अभी चल रहा है, इतना MSPT चल रहा है, ये CPU प्रोसेस है, ये सिस्टम का CPU प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, उसके बाद MSPT CPU आपको समझ आ दिया, मेमोरी आपको आपको देखो भाई मेरा सर्वर 2GB रैम का और मेरे को यहाँ पे करेक्ट 2GB मिल रहा है, बट इसका सर्वर पे यहाँ पे करेक्ट दो, इसको अगर इसका 8GB का सर्वर है या 6GB का सर्वर है तो इसको करेक्ट उतना क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 6.3GB मिल रहा है, आई डोंट नो भाई इसका 6GB का सर्वर है, 7GB का सर्वर है, 8GB का सर्वर है या कितने और का, तो इसका हम बाद में देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को यहाँ पर 2GB एग्जैक्ट क्यों मिल रहा है और इसको एग्जैक्ट जितने जीबी का इसने सर्वर लिया उतना क्यों नहीं मिल रहा है ना, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर चलते हम गैस, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको आई बटन पे क्लिक करना है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारा चीज दिखाएगा, ठीक है, पूरा A to Z माजर आपको जितना भी रहेगा सारा चीज दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, ये मेरा वाला, ठीक है, ये रॉयस प्लेस आप देख सकते हैं, ये मेरा वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरे को यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या क्या दिखा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं मेमोरी फिजिकल। अब ये फिजिकल का क्या मतलब, फिजिकल मतलब जो ओरिजिनल रैम होता है ना, मतलब जितना आपका कंप्यूटर का होता है 12GB 8GB 10GB 6GB मतलब जितना भी आपका ओरिजिनल, ठीक है, VPS का रैम। ये जो फिजिकल का मतलब है कि आपका ओरिजिनल फिजिकल कितना रैम है, और ये जो मेमोरी है ये स्वैप है, स्वैप मतलब जो स्टोरेज को रैम में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो मेरे को यहाँ पे 500GB स्टोरेज है, बट 500GB स्टोरेज में यहाँ पर सिर्फ 465GB दिखा रहा है, मतलब जो कुछ यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा जो SSD हम खरीदते हैं तो वो MB और मेबी बाइट करके कुछ अलग अलग यूनिट होता है, जिसकी वजह से अगर हम 500GB लेते हैं तो हमको 500GB पूरा ना मिलकर 490GB या कुछ 480GB ऐसे करके कुछ मिलता है आसपास, ठीक है। तो उसी में मेरा जो ये 24GB जो है ये स्वैप में यूज हो रहा है, और बाकी का देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि 24 करते हैं तो मेरा बन के आ रहा है 489, ठीक है। तो अराउंड मेरा को जो है 489GB का स्टोरेज मिला हुआ, जिसमें से मेरा 24GB स्वैप में यूज हो रहा है एज अ रैम, ठीक है। ये 24GB जो यूज हो रहा है एज अ रैम यूज हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, आपको सारा चीज दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर मेरा मेमोरी है, मेरा 2GB एलोकेटेड है, आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपको कितना एलोकेटेड है, ठीक है। पर JVM फ्लैग में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये, तो ये रहा इसका सर्वर, यहाँ पर स्वैप इसको 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसका 6GB प्रोसेस में है, और CPU सिस्टम ये है, और ये फिजिकल है जिसका 250GB में फिजिकल रैम है, और ये ओरिजिनल VPS, ठीक है। ये जो है ये मेरा कंप्यूटर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद ये इंटेल शियोन का प्रोसेसर है, जिसको भाई ऑब्वियसली अब इतना घटिया प्रोसेसर है, इवन घटिया तो नहीं बोलूं मिड रेंज है, तो इसके वजह से इसका CPU इतना ज्यादा, तो इसका TPS खराब जा रहा, तो इसका ये रीजन मेरे को समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्वैप क्यों यूज हो रहा है, स्वैप क्या गलत है बेचना, क्योंकि भाई ओरिजिनल फिजिकल वाले तो नहीं बेच रहे, और मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये सच में सही है नहीं है वो, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं भाई मैं स्वैप यूज़ क्यों कर रहा हूँ, और भाई क्या मेरा माइनक्राफ्ट सर्वर स्वैप यूज़ कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो भाई मेरा माइनक्राफ्ट सर्वर स्वैप यूज़ नहीं कर रहा, ये जो स्वैप यूज़ हो रहा है ये अगर कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं चलते हैं टास्क मैनेजर में, तो यहाँ पर टास्क मैनेजर आप देख सकते हो मेरे जो सिस्टम पे कितने सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ठीक है, ओके सॉरी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे सिस्टम यूज़ हो रहा है, ठीक है, इतना सारा सब कुछ चल रहा है। बट अगर हम परफॉर्मेंस में चलते हैं मेमोरी दिखाता, तो यहाँ पर मेरे को 16GB का फिजिकल रैम जैसे मैंने आपको बोला, बट यहाँ पर कमिटेड में आप देखो 24.3GB का जो मेरे को रैम है वो मिला, मतलब ये स्वैप है, ठीक है। ये जो कमिटेड मेरा जो दिखा रहा है ये स्वैप रैम यूज हो रहा है मेरे कंप्यूटर में। अब आपको मैं बताऊँ मेरे माइनक्राफ्ट सर्वर भाई वो यूज़ नहीं हो रहा। अब आप लोग बोलो भाई ये क्या बात हो या कैसे यूज़ नहीं, जब यहाँ दिखा रहा है भाई, यहाँ दिखा रहा है कंप्यूटर के फाइल से, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर आप यहाँ JVM फ्लैग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टार्टअप कमांड, ठीक है, द JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन वॉज स्टार्टेड विद द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट XMS 2GB और मतलब ये मिनिमम और मैक्सिमम 2GB। तो भाई मेरे यहाँ पर 2GB एलोकेटेड है,
जो कि मैंने यहाँ पर लोकेट किया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप स्टार्टअप में जाए तो यहाँ पर देखो जावा XMX 2G, मतलब मैंने जो सर्वर को सिर्फ 2GB लोकेट किया, जो कि यहाँ प्रोसेस में पूरा का पूरा 2GB दिखा रहा है। तो भाई ये मेरा फिजिकल मेरा जो माइंड का सर्वर, ठीक है, वो पीसी स्वैप जो है ये मेरा पीसी यूज कर रहा है, ठीक है, सर्वर यूज नहीं कर रहा है। तो मेरा जो माइंड का सर्वर है वो बिल्कुल स्वैप यूज नहीं कर रहा है, ये इसका प्रूफ है। और जो रही इसकी बात, इसका जो सर्वर में अगर हम JVM फ्लैग्स में जाते हैं तो यहाँ पर भी इसको कुछ इसी टाइप का कमांड मिला हुआ है जावा का। तो इसने जो है लॉग फॉर जे पैचर और ये सब बहुत सारे चीजें इसने करके रखा हुआ है। बट यहाँ पर अगर हम देखें 8192 MB मैक्सिमम और मिनिमम इसको मिला हुआ है 512 MB। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सर्वर है वो मैक्सिमम यूज करेगा 812 MB, मतलब सॉरी 8GB, जो कि 6GB यूज कर रहा है ऑब्वियसली, और मिनिमम यूज करेगा 512 MB। तब आप लोग बोलोगे भाई इसको तो भाई पूरा 8GB एलोकेटेड है, फिर 8GB से इसको 6GB क्यों मिल रहा है और मेरे को तो सिर्फ 2GB एलोकेटेड है, तो पूरा 2GB मेरे को क्यों मिल रहा है? आप लोग यही समझना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो 2GB मिल रहा है क्यों, क्योंकि मेरा जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो 2GB है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम 2GB है, तो मिनिमम भी यूज करेगा तो 2GB ही यूज करेगा और मैक्सिमम यूज करेगा 2GB, मतलब ना तो 2GB से ज्यादा यूज करेगा ना ही 2GB से कम यूज करेगा, जिसमें से मेरा 1.5GB यूज कर रहा है। बट रही बात इसके केस में, इसका जो केस है वो मिनिमम 512 MB यूज करेगा और जो मैक्सिमम है वो 8GB, मतलब एकदम फुल पूरा सर्वर भरा है तब जाकर वो 8GB यूज करेगा। तो यहाँ जिसको जो जरूरत है वो 6GB यूज की है, तो वो इसलिए वहां पर सिर्फ 6GB यूज हो रहा है। आई होप कि आपको मैंने क्लियर कर दिया कि क्या चीज है ये। अब बात करते हैं स्वैप की, क्या स्वैप माइनक्राफ्ट सर्वर में अच्छा है नहीं है। तो भाई मेरे बोलो, मेरा सजेशन मानो, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, अभी मैं आपको स्वैप का एक अलग वीडियो बनाऊंगा भाई कि स्वैप स्कैम कैसे है नहीं है। तो मैं बोलूं तो स्वैप आपको यूज नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को करने देना चाहिए, बिकॉज स्वैप एक तरीका होता है ओवर एलोकेशन, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे भाई ओवर एलोकेशन कैसे, देखो ओवर एलोकेशन ना स्वैप का तब होता है जब आप पेट्राडक्टाइल पैनल, ठीक है, अगर आपको पता होगा कि पेट्राडक्टाइल पैनल कैसे होता है, तो मैं आपको कोई से एक सर्वर ले जाता हूं, ठीक है। ओके सो गाइस, मैं आपको अभी वो चीज नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि आई होप कि आपको ये चीज क्लियर कर दी। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो स्वैप है भाई वो यूज नहीं करना चाहिए, और चूंकि भाई मेरे कंप्यूटर में यूज हो रहा है तो भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा माइनक्राफ्ट सर्वर में यूज नहीं हो रहा है क्योंकि वो यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं आपको और चीज दिखाता हूँ कि ये डिस्क स्टोरेज है, ये सब आपको कुछ इतना मायने नहीं रखता, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके अलावा आपको मैं और चीज दिखाता हूँ, नीचे अगर आप आते हो तो स्वैप में आपको यहाँ पर, ठीक है, ये वीवर का दिखा रहा हूँ, कमांड आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ये होता है सर्वर थ्रेड, जिसमें आपको आपका पूरा जो भी आपका जो सर्वर में जितना आपके माइंड का सर्वर, ठीक है, ये बाहर का नहीं, ये आपके माइंड का सर्वर जितना प्रोसेस है वो दिखाता है। तो यहाँ पर जो थ्रेड डॉट रन है इसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद जाता है माइनक्राफ्ट सर्वर, मतलब ये आपका सर्वर है जो कि 100% यूज हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें ये लैम्बडा स्पिन, तो इसको भाई मुझे भी नहीं पता ये चीज़ क्या है। तो उसके बाद ये बात करते हैं सर्वर डॉट रन सर्वर, मतलब ये आपका जो सर्वर है वो यूज हो रहा है, तो 100% दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद है वेट अंटिल नेक्स्ट टिल, ठीक है, और ये टिक सर्वर, ठीक है, टिक सर्वर यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर टिक्स डॉट चिल्ड्रन, मतलब आपका पूरा TPS दिखा रहा है, यहाँ पर TPS यूज हो रहा है। और यहाँ पर बस यहाँ पर जो ये हमारा दिखाता है मैनेज ब्लॉक, ठीक है, मैनेज ब्लॉक में अगर हम जाते तो वेट फॉर टास्क, ये हमारा जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। और यहाँ पर है लॉक सपोर्ट डॉट पार्क नैनो, और इसके अंदर जाते तो अनसेफ डॉट पार्क। अब भाई इसका तो एक्चुअल मीनिंग मुझे नहीं पता है, बट अनसेफ डॉट पार्क मतलब मिसलिनियस, इसमें कुछ खास तो नहीं, इसको इग्नोर करने सकते नहीं कर सकते, मुझे आइडिया नहीं है। जो बुक मार्क, अच्छा ये तो बुक मार्क है। तो यहाँ पर अगला आप देखो तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया है, तो यहाँ पर देखो माई वर्ल्ड सर्वर डॉट डू टिक होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके सर्वर में जो ब्लॉक्स रेडस्टोन इसका ज्यादा यूज हो रहा है, जो कि आपको कम करना चाहिए अगर इस तरीके से आता है। मोस्ट ऑफ द चीज इजी, तीन चीज से लैग पता चलती है, बाकी अगर चीजें तो आप उनको सेफली इग्नोर कर सकते हो आई होप। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड सर्वर डॉट टिक एंटिटीज, इसका मतलब आपके सर्वर में एंटिटीज बहुत ज्यादा हो रही जो कि लैग कर रहा है। ऐसा कुछ खास तो है नहीं, बट इसको भी हम सीम्स लाइक सेफ गेस, एंटिटीज को दिखाता है आपको टिक डॉट एंटिटीज। और उसके अलावा जो क्राफ्ट शेड्यूलर डॉट मेन थ्रेड हार्ट बीट, तो ये आया था क्राफ्ट बकेट की तरफ से, जिसको आप इन तीन सर्वर को आप इग्नोर कर सकते हो आई होप। और इसके अलावा बाकी कुछ है तो आपको इस चीज़ खुद से समझना पड़ेगा भाई, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसके अलावा जो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, तो ये इसके अलावा बस इतना ही कुछ इसमें रहता है। और उसके अलावा अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पर अगर हम प्लेटफॉर्म में देखते हैं तो प्लेटफॉर्म हमको क्या क्या दिखाता है कि प्लेटफॉर्म हमारा कौन सा बकेट यूज़ कर रहा है, या फिर फोर्ज यूज़ कर रहा है, पेपर यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, और यहाँ पर कौन सा माइनक्राफ्ट का वर्जन यूज़ कर रहा है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये गिट पेपर 196 MC 121, ठीक है, ये वाला मेरा माइनक्राफ्ट सर्वर यूज़ कर रहा है। डिटेक्टेड माइनक्राफ्ट वर्जन, जो कि सर्वर वर्जन 121 है। तो सर्वर रनिंग इन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड का मतलब ये होता है, और ऑफलाइन मोड मतलब क्रैक प्लेयर मेरे सर्वर में नहीं ज्वाइन कर सकते, तो इसका मैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन मतलब क्रैक सर्वर, ठीक है, सिंपल सा मतलब है। तो सर्वर हैड काउंट ऑफ 1 व्हेन प्रोफाइलर कंप्लीट, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कितने लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 लोग खेल रहे थे जब सर्वर का ये प्रोफाइलर काउंट हुआ है, और यहाँ पर मैं अकेला था सर्वर में तो मेरा 1 नंबर आया है।
उसके आधारित सर्वर रनिंग ये किस सीपीयू पे चल रहा है, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। तो मेरा जो चल रहा है विंडोज 11 प्रो पे चल रहा है मेरा माइंड का सर्वर, आपका दिखाता होगा यूबंटू पे ऑब्वियसली, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम होता है वो यूबंटू पे चलता है। क्यों? क्योंकि वो वीपीएस होता है वो सब लोग यूबंटू चलाते हैं, क्योंकि पेट्रा डेक्टाइल उसी पे चलता है, ठीक है। तो ये और ये वर्जन है यूबंटू का, और ये जो 32 सीपीयू कोर है, ठीक है, ये जिसका भी सीपीयू है जो 250 GB का जो है इस पे 250 GB पे 32 कोर है, और मेरा इस पे कितने हैं 12 कोर अवेलेबल है। ऑब्वियसली भाई आप i5 12 जनरेशन लेते हो तो 6 थ्रेड 12 कोर आपको मिलता है। तो ये देख सकते हैं आपका मेरा जो है 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, और इधर बात करें तो इधर का जो है इंटेल एक्सियन गोल्ड है। तो ये प्रोसेसर आपका दिखाता है, ये आपका जावा वर्जन दिखाता है कि जावा का क्या वर्जन है, जैसे जावा 8, जावा 11, जावा 17, जावा 19 बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आपका दिखाता है कि जावा कौन सा चल रहा है और ये कहाँ से लिया गया, ओरेकल कॉर्पोरेशन, जो कि हमें ऑब्वियसली बात है भाई जावा आपको ओरेकल ही प्रोवाइड करता है, आप डाउनलोड भी करते हो। तो उसके बाद करंट प्रोसेस अप टाइम कि आपका जो प्रोफाइलर वो कितनी देर से चल रहा है, तो यहाँ पे 7 मिनट से चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो चल रहा है ये 4 घंटे से चल रहा है, और जो प्रोफाइलर है वो कितनी देर से चल रहा है तो वो यहाँ पर दिखा रहा है 2 मिनट से, और यहाँ पर जो दिखा रहा है वो 6 मिनट से दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको ये मैंने समझा दिया है। उसके बाद हम चलते हैं JVM फ्लैग्स में। अब JVM फ्लैग में सिंपल सी बात है, आपको स्टार्टअप कमांड दिखाता है कि आपका जो स्टार्टअप कमांड है वो कैसा डिजाइन किया है, और यहाँ से आप सारा चीज़ देख सकते हो। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पर 4 पाइप का आपको दिखाता है, आपका सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज, यहाँ से आप किस यहाँ पर आपको जितना भी आप देख सकते हो bucky.yml में आप देख सकते हो कि क्या क्या सेटिंग की हुई है, चंक कितना है, टिक्स पर सेकंड, क्या एनिमल कितना टिक पर स्पॉन हो सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पर आपको स्पाई गॉड दिखाएगा, सेटिंग दिखाएगा, मतलब आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको सारी सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में आपको समरी एक दिखाएगा कि कितने रैबिट स्पॉन मेरे, ये मेरे सर्वर का है तो मेरे वर्ल्ड में 40 रैबिट है, 35 फॉलिंग ब्लॉक्स है, चेस्ट माइन कार्ट 28 अभी जनरेट हुए, ठीक है, इतने सर्वर में। तो यहाँ पे सारा दिखा था, टोटल यहाँ पे चंक्स कितने मेरे सर्वर में भी 104 चंक्स लोड है, नेदर में 19 और एंड में 10। यही बात करते हैं एंटिटीज की, तो टोटल वर्ल्ड में 236, नेदर में 23 और एंड में 10। कि जो एंड है वो ऑफ होगा या फिर इसका मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिख रहा, इस पर मार्कर 97 है, पेगलिन ब्रूट, ये सारा चीज़ दिखा रहा, ठीक है, आप इसको पूरा डिटेल में देख सकते हो। यहाँ से आप और भी चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो उसके अलावा जब वर्ल्ड की, आई होप कि मैंने यहाँ पे आपको सारा चीज़ समझा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, तो इससे आपको क्या ये आइकन सारे हाइड हो सकते हैं, और इससे आई से आप यहाँ पे सारी डिटेल में सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ से आपको ग्राफ हाइड करने का ऑप्शन आएगा, और अगर सेटिंग की बात करते आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। और यहाँ पर इन्फो पॉइंट आपको दिखाना चाहिए, नहीं दिखाएगा, यह दिखाएगा यहाँ से आपको। उसके बाद ऑल से आपको आपको सारी चीज़ दिखाएगा, फ्लैट से आपको सिर्फ नॉर्मल चीज़ें दिखाएगा, जो भी चीज़ें फ्लैट रहती है, और प्लगइन्स आपको यहाँ पर प्लगइन्स दिखाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे सर्वर पर अभी बात करते हैं, मेरे पे अभी सिर्फ स्पार्क प्लगइन ही लोडेड है, इसके अलावा कोई भी प्लगइन लोड नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाएगा कि क्या क्या यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर्फ प्लगइन का, ठीक है। तो प्लगइन मेरा यहाँ पर 0.29% यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आपका जितना भी प्लगइन है वो आपका सारा नाम दिखाएगा, वर्जन दिखाएगा, और कितना परसेंट CPU यूज़ कर रहा है, मतलब माइन का सर्वर आपका कितना यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर आपका सब कुछ दिखाएगा। सो आई होप कि यहाँ पर आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आपको ये सब चीज़ें दिखाता है। और यहाँ से आप तो यहाँ से करोगे तो आपको जो है इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। सो आई होप कि गाइस मैंने स्पार्क के बारे में आपको समझा दिया, ये पूरा वीवर के बारे में, प्रोफाइलर के बारे में। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, अब सिंपली आप स्पार्क हेल्प लिख दो तो यहाँ पर आपको सारे कमांड मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो चलते हैं स्पार्क प्रोफाइलर इन्फो के साथ, स्पार्क प्रोफाइलर इन्फो। तो यहाँ से आपको आपका सारा चीज़ दिखाएगा कि प्रोफाइलर चल रहा है, नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, तो भाई मेरा चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरवल, ओनली टिक्स ओवर, थ्रेड, इस तरीके से आप कर सकते हो। स्टार प्रोफाइलर स्टॉप बता दें, स्पार्क प्रोफाइलर TPS, तो स्पार्क प्रोफाइलर TPS आप अपने सर्वर के TPS देख सकते हो कि आपका कितना TPS है न। उसके अलावा अगर हम मैं आपको दिखाऊं तो उसके अलावा जो यहाँ पे हमारा पिंग है, स्पार्क प्रोफाइलर पिंग, तो मेरा ऑब्वियसली भाई यहाँ पर नहीं दिखाएगा डाटा क्योंकि प्लेयर बहुत कम है। तो मैं आपको पिंग और इसका प्लेयर और कोई भी आपको प्लेयर का देख सकते, जैसे कि मेरा खुद का देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 0 MS पिंग दिखा क्योंकि मेरा सर्वर जो खुद ऑफलाइन लोड है, तो ऑब्वियसली कोई डिले नहीं होगा मेरे सर्वर पे। तो यहाँ पर उसके अलावा जो है GC ओके, तो यहाँ पर आपका हेल्थ रिपोर्ट। अब हेल्थ रिपोर्ट बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप हेल्थ रिपोर्ट दिखाओगे तो यहाँ पर आपका दिखाएगा कि कितना 2 GB में से आपका अभी मेरा 600 MB, ठीक है, आपको यहाँ पर जाना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा TPS ड्यूरेशन, MSPT, CPU यूसेज, मेमोरी और डिस्क स्टोरेज, ठीक है, ये आपका टोटल दिखाएगा और यहाँ पर आपका मेमोरी यूसेज कितना हो रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पर आपको दिखाता है वो है
टिक मॉनिटर। अब टिक मॉनिटर क्या है कि आपका जो मॉनिटर है वो टिक करता रहेगा, हर 6 सेकंड में आपको देता रहेगा। अभी थोड़ी देर में को रिजल्ट देगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनालिसिस इज नाउ कंप्लीट। मैक्सिमम जो है 63 ms का जा रहा है जो कि हाई है, और मिनिमम जो जा रहा है 45, और एवरेज है 49 का है। तो ये ठीक ठाक है, लाइक एवरेज है, ऑब्वियसली ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा हम बात करते हैं जीसी और जीसी मॉनिटर। ये आपका जो स्पार्क है वो मॉनिटर रैम को करता है कि रैम गार्बेज कलेक्शन जिसको बोलते हैं जीसी मतलब गार्बेज कलेक्शन। तो ये आपका जो GA1 यंग जनरेशन भी बोल सकते हो इसको, तो ये सोलर दिखाता है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। भाई देखो मुझे ये जीसी मॉनिटर के बारे में इतना को डिटेल में नहीं पता, बट फिर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जीसी मॉनिटर इनेबल। अब जीसी मॉनिटर ये आपको गार्बेज कलेक्शन को हमेशा मॉनिटर करता रहेगा और आपको रिपोर्ट्स देता रहेगा। तो और उसके अलावा जो है आपको दिखाता हूँ, उसके अलावा जो हमारा है हीप समरी। अब हीप समरी से क्या एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप हीप समरी करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर ना एक चीज़ और कर सकते हो डिटेक्ट, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा मेमोरी प्रोसेस, फिजिकल कितना है, स्वैप कितना है, डिस्क और ये सब, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक कुछ इस तरीके से पूरा जावा लाइन दिखाएगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल तो मैं ऐसा कोई भी प्लगइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो वायरस वाला प्लगइन हो। तो भाई मैं आपको अभी तो फिलहाल मेरे को ऐसा प्लगइन नहीं जो क्रैक वाला हो और वायरस वाला हो, बट मैं आगे वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। तो आपको ना java.byte करके आपको एक दिखेगा, ठीक है, और आपको प्लगइन रिमूव करना चाहिए। रिमूव करने के लिए आपका सिंपल सा तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना, जो जितना भी आपका देखो, एक तो server.jar डिलीट करके न्यू रीइंस्टॉल कर लो सर्वर को, सारे प्लगइन्स को डिलीट करो और ऑफिशियल तरीके से डाउनलोड करो, और जो भी आपने क्रैक प्लगइन डाला था वो रिमूव कर दो, और जितने भी ऑफिशियल प्लगइन है उसे वो डालो, सारे प्लगइन रिमूव करना, वरना वायरस रिमूव नहीं होता टोटली। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।